सिदे जय श्री महावीराय नमः जय श्री परंपराचार्य गुरुवे नमः जय श्री स्वामी गुरुवे नमः जय श्री शांति सागर गुरुवे नमः जय श्री विद्यानंद गुरुवे नमः मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेतारम कर्म भूव्रतां ज्ञातारम विश्वतत्वानां वंदे ततगुणलम् धये मंगलं भगवान वीरो मंगलं गौतमोगणी मंगलं कुंदकुंदारयो जैन धर्मोस्तु मंगलं हम सभी लोग तत्त्वार्थ सूत्र में सातवां अध्याय शुभ आश्रव के कारण देख रहे थे आचार्य भगवान यहाँ बता रहे थे पांच अणुव्रत या पांच महाव्रत जो हैं उनके जो विरोधी हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह हैं वह हमें कैसे त्याग करना है क्योंकि उनका लक्षण बता रहे थे लक्षण ज्ञात हो जाएगा तो हम उनका त्याग भी कर सकते हैं सूत्र नंबर सत्रह है उसका हम आज उच्चारण करेंगे आज हमें बताएंगे परिग्रह क्या लक्षण है पांच पाप में पांचवा पाप परिग्रह है और सबसे बड़ा पाप है परिग्रह ही तो हिंसा झूठ चोरी कुशील आदि का जननी है क्योंकि जहाँ जहाँ परिग्रह होता है वहाँ वहाँ ये चीज़ सौमेव ही आ जाया करती हैं जिस व्यक्ति के पास जितना ज़्यादा परिग्रह होगा उतनी चिंताएं होंगी उतनी ही मन में संताप होंगी आकुलता होगी व्याकुलता होगी और सप्त व्यसन भी उस परिग्रहवान व्यक्ति के पास आ जाया करते हैं इसलिए परिग्रहों को आचार्य ने बहुत बड़ा पाप कहा है कुछ लोग हैं जो भौतिक वस्तुओं को पुण्य की संपदा बोलते हैं हमें परिवार मिला मकान मिला पद मिला बड़े पुण्य से मिला ऐसा कहते हैं और यहाँ पर तो आचार्य भवन उसे पाँचवा पाप कह रहे हैं सचमुच में जो परिग्रह है जो वस्तु है वो तुम्हारे लिए मन को प्रसन्न करे अर्थात तुम्हें धर्म में लगाए तुम्हारे धर्म के साधन बने वह परिग्रह तुम्हारे लिए पुण्य है अर्थात तुम्हारे लिए जो अनुकूल बने वो तुम्हारा पुण्य है लेकिन जो परिग्रह तुम्हारे प्रतिकूल खड़ा हो जाए तुम्हें भोगों में लगाए तुम्हें संसार में लगाए तुम्हें विषय वासनाओं में लगाए तुम्हारा दुर्गति का कारण बने वो परिग्रह नियम से पुण्य नहीं है पाप ही है उसे पाप ही समझना चाहिए आइए अपन सूत्र नंबर जो सत्रवा है उसका उच्चारण करते हैं और फिर इस परिग्रह के बारे में बहुत विस्तार से समझते हैं मूर्छा, मूर्छा परिग्रह, परिग्रह, परिग्रह मूर्छा, मूर्छा, मूर्छा परिग्रह परिग्रहा परिग्रह इस प्रकार से ये सूत्र का उच्चारण हुआ आइए बोर्ड के माध्यम से इसका उच्चारण और इसके अर्थ को समझते हैं सप्तम अध्याय का सूत्र नंबर सत्रह मूर्छा, परिग्रहा। मूर्छा परिग्रहा। परिग्रह मूर्छा परिग्रह परिग्रह कैसे कहते हैं बहुत एक शब्द में आचार्य उन ने परिभाषा बताई मूर्छा ममत्व मेरापन जो भाव है यह मेरा है ऐसा जो भाव है ममत्व तो भाव जो है इच्छा परिणाम जो है उसे आचार्य ने परिग्रह बहुत छोटे से शब्द में परिग्रह शब्द की परिभाषा बताई लेकिन इसका यदि विस्तार करते हैं तो बहुत विशाल यदि इसका अर्थ निकल सकता है तो आचार्य उमा स्वामी ने बहुत सुंदर शब्द में कहा मूर्छा ममत्व तो भाव पदार्थ का जो रक्षण का जो भाव है संरक्षण का जो भाव है यह मेरा है यह इच्छा जो परिणाम है इसे परिग्रह कहा है अनेक ग्रंथों में परिग्रह की परिभाषा आती है लेकिन अर्थ लगभग लगभग सबका वही निकल के आता है यशस्तलक चंपू में कहा है बाह्य और आभ्यंतर पदार्थों में यह मेरा है ऐसा संकल्प करना ऐसा जो संकल्प का परिणाम है इसे आचार्यों ने परिग्रह कहा है राजवार्तिक में अकलंक देव कहते हैं राग आदि तो कर्मों के उदय से होते हैं अथा वे आत्मा का स्वभाव न होने से हे है इसलिए उनमें होने वाला जो संकल्प है वो परिग्रह है बहुत सुंदर परिभाषा कहा है जो राग द्वेष मोह आदि जो हैं वो कैसे हैं कर्म के उदय से प्राप्त होते हैं देखिए क्रोध कर्म और क्रोध भाव मान कर्म और मान भाव माया कर्म और माया भाव लोभ कर्म और लोभ भाव कर्म मोहिनी कर्म हो गया क्रोध कर्म का उदय आता है तो क्रोधी हो जाते हैं ऐसे ही लोभ कर्म का उदय आता है तो लोभी हो जाते हैं क्रोध कसाय और मान कसाय इसको आचार्यों ने द्वेष कहा है माया कषाय और लोभ कसाय इसको आचार्यों ने राग कहा है इस प्रकार से राग और द्वेष जो है ये कर्मोदय जन्य हैं। उनके उदय से आत्मा के इस प्रकार के परिणाम होते हैं जो कि आत्मा के स्वभाव नहीं होने से है, है। आत्मा के स्वभाव क्यों नहीं हैं क्योंकि कर्म के निमित्त से होने वाले परिणाम ऐसे हैं इसलिए आत्मा के स्वभाव नहीं हैं जो पराधीन भाव हो, वो आत्मा का स्वभाव नहीं हो सकता है आत्मा का स्वभाव स्वाधीन हैं जो कहीं किसी के निमित्त से नहीं स्वयं सहज रूप से परिणाम निकलते हैं वो स्वभाव कहलाता है तो ऐसे पराधीन परिणाम जो हैं वो है हैं छोड़ने योग्य हैं इसे छोड़ ही देना चाहिए इसलिए उनसे होने वाला जो संकल्प है राग आदि कर्म का उदय हुआ और यह मेरा है ऐसा जो परिणाम हुआ संकल्प बुद्धि हुई उसे परिग्रह कहते हैं देखिए दो शब्द ध्यान रखिए एक संकल्प और दूसरा विकल्प संकल्प और विकल्प किसे कहते हैं संकल्प का मतलब होता है यह मेरा ऐसा परिणाम विकल्प मतलब क्या है यह मैं हूँ यह मैं हूँ शरीर मैं हूँ यह एक विकल्प है और यह मेरा है इस प्रकार का संकल्प है कहीं कहीं पर इन दोनों के अर्थ जो हैं अलग प्रकार के भी मिलते हैं जिस प्रकार से विकल्प भैया हमें घर की विकल्प है दुकान की विकल्प है चिंता है इस प्रकार से भी भाव कर्म और द्रव कर्म में भी इसका अर्थ जोड़ा जाता है द्रव कर्म आदि जो जुड़े जाते हैं वो उसे संकल्प से भाव कर्म को विकल्प से भी जोड़ा जाता है यहाँ पर आप ध्यान रखें जो कुछ भी आपने संकल्प किया है यह मेरा है आचर भवन कहते हैं यह परिग्रह कहलाता है धवला आदि ग्रंथों में भी इसकी परिभाषा आई है इच्छा परिग्रह इच्छा को परिग्रह कहा है जो कुछ भी तुम्हें इच्छा होती है खाने की पीने की सजने की सवरने की ओढ़ने की पहनने की घूमने की फिरने की पांचों इंद्री और मन में जो कुछ भी तुम्हारे अंदर इच्छाएं प्रकट होती हैं वो समस्त इच्छाएं जो हैं आचार्य भवन कहते हैं धबला में जो वीरसेन स्वामी कहते हैं वह है परिग्रह कहलाता है और भी कहा है परिग्रहते इति परिग्रह जो ग्रहण किया जाता है इस निरुक्ति के अनुसार उसे परिग्रह कहा जाता है ग्रहण करना परिग्रह दो शब्द से मिलकर बनना है परि और ग्रह परि मतलब चारों तरफ से ग्रह मतलब ग्रहण करना चारों तरफ से ग्रहण करने के जो परिणाम हैं इच्छा है उसे परिग्रह कहते हैं यहाँ देखिए लिखा हुआ है आप ध्यान से देखिए परिग्रह दो शब्दों से मिलकर बना है परी प्लस ग्रह परी मतलब चारों ओर से ग्रह मतलब ग्रहण करना संग्रह करना चारों ओर से संग्रह करना इसे कहते हैं परिग्रह आप देखिए क्या क्या ग्रहण करते हैं आप सब लोग अपने रहने के लिए जीवन यापन के लिए कोई वस्त्र भोजन घर मकान परिवार पद पैसा ये सब जो है चारों तरफ से ग्रहण करते हैं इनका संग्रह करते हैं इसको परिग्रह कहते हैं अब देखिए लिखा है परिग्रह दो प्रकार का होता है एक परिग्रह और एक भाव परिग्रह परिग्रह क्या है दस प्रकार का आचार्यों ने बाह्य परिग्रह कहा है जिसको द्रव्य परिग्रह कहते हैं धन धान खेत मकान सोना चांदी पशु नौकर वस्त्र बर्तन आदि पदार्थ इकट्ठे करना इनको जोड़ना ये द्रव्य परिग्रह है आप देखिए जीवन कैसा है इन सब वस्तुओं को इकट्ठा करने में ही तो लगा रहता है जीवन सारा का सारा जीवन इनको इकट्ठा करना है धन इकट्ठा करना है धान इकट्ठा करना है धन से मतलब यहाँ पर क्या है गाय भैंस आदि जो है यहाँ उसको धन कहा है स्त्री आदियों को भी धन कहा है तो चेतन अचेतन जो हैं उनमें आप थोड़ा सा भेद कर लेंगे जो स्त्री आदि हैं पुत्र आदि हैं वो भी धन हैं और जो गाय भैंस आदि हैं है, वो भी धन है और एक धन होता है सोना चांदी मुद्राएं आदि वो भी धन है तो उसको लिया है सोना चांदी आदि में ठीक है और धान्य धान मतलब अनाज जो भी खाने पीने की भोगो भोग सामग्री है उसको अपन लेंगे धान्य में खेत खेत आपका जो जो फसल उगाने के लिए आपके खेत आदि होते हैं क्षेत्र होते हैं उसे खेत कहते हैं मकान रहने के लिए आपको मकान चाहिए दुकान चाहिए कमाने के लिए तो इसे मकान आदि में लेना और धातु में सोना चांदी, तामा आदि जितनी भी धातु हैं ये सब आपके क्या हैं ये भी परिग्रह में हैं पशु पशु में आपके पास पालतू जितने भी जानवर आप रखते हैं वो पशु भी परिग्रह में हैं दास दासी नौकर बोलने से इसमें दास और दासियाँ आप घर में काम वाली बाई रखते हैं या दुकान में नौकर आदि रखते हैं तो साफ सफाई के लिए काम के लिए फैक्ट्री के लिए किसी के लिए भी तो अथवा अपने स्वयं की सेवा कराने के लिए ये सब जो हैं ये भी परिग्रह में ही आते हैं वस्त्र आपके कितने प्रकार के भी वस्त्र हों बैठने के लेटने के ओढ़ने के पहनने के जो भी वस्त्र हैं वो वस्त्र भी परिग्रह में हैं बर्तन आदि जो आप बर्तन उपयोग करते हैं खाने पीने के लिए तो वो सारे के सारे बर्तन आदि भी जो हैं वो परिग्रह में हैं इस प्रकार से आपका जो आभूषण हो वो सोना चांदी आदि में चला जाएगा तो कोई चीज़ छूटती नहीं है इन द्रव्य परिग्रह जो लिखे यहाँ पर आचार्य ने बहुत सोच समझ के लिखा इसमें आपका कोई भी सामान छूट नहीं सकता है दस प्रकार के परिग्रह में सारी वस्तुएं आप जो इकट्ठा करते हैं परिवार में जीवन में वो सारा का सारा इसमें आ जाता है ये द्रव्य परिग्रह है भाव परिग्रह क्या है पर पदार्थों को अपना मानना ममत मूर्छा करना वह भाव परिग्रह है आत्मा जो है वो अपना स्वपदार्थ है आत्मा को छोड़कर के सभी पदार्थ जो हैं वो पर पदार्थ है शरीर और शरीर से संबंधित जितनी भी भौतिक वस्तुएं हैं चेतन अचेतन जितने भी पदार्थ हैं वो सभी पर पदार्थ हैं तीन लोक जो है वो पर पदार्थ है वो है है मेरे लिए छोड़ने योग्य है मैंने अपने मोह भाव से अपनी बुद्धि से इनको पकड़ रखा है ये मेरे हैं यद्यपि ये तीन काल में भी मेरे नहीं हो सकते अन्नम परमाणु में तम एक परमाणु भी मेरा नहीं हो सकता समय सार में आचार्य स्वामी ने ऐसा कहा है फिर हम कैसे कहते हैं कि ये मकान मेरा है ये दुकान मेरा है ये परिवार मेरा है बोलने की परिभाषा हो सकती है व्यवहार में हम यही कहते हैं यह है मेरा है लेकिन निश्चय में अंदर से जो आपकी दृढ़ता होना चाहिए कि एक परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है फिर भी हम मोह और लोभ के भाव से ऐसा कहते हैं राग के भाव से ऐसा कहते हैं आचरण कहते हैं पर पदार्थों को अपना मानना ममत्व 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 मेरापन इसमें मेरापन मेरा घर मेरी दुकान मेरा शरीर मेरे बच्चे मेरा नगर मेरा शहर मेरे मित्र मेरे शत्रु इस प्रकार से मेरा 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 ये जो करना इसको कहते हैं मूर्छा तो ऐसा मूर्छा करने को भाव को आचार्यों ने भाव परिग्रह कहा है यहाँ पर बहुत सुंदर परिभाषा लिखी है भगवान ने मूर्छा को अंतरंग भावों को कहा है यदि अंतरंग भाव कंट्रोल हो जाते हैं तो बहिरंग के जो द्रव्य आदि हैं उनके प्रति भी हमारा राग भाव छूट सकता है नवोस्तु आचार्य श्री इस सूत्र में आचार्य भगवान ने परिग्रह का लक्षण बताया है तो ये तो अंतरंग परिग्रह बता दिया मूर्छा परिग्रह और बाह्य परिग्रह के बारे में बताया नहीं तो क्या बाह्य परिग्रह को रख सकते हैं क्या ऐसा संभव है यहाँ पर आचार्य भगवान ने अंतरंग परिग्रह मूर्छा जो भाव है इच्छा जो भाव है उसे परिग्रह कहा वो इसलिए कहा कि अंतरंग इच्छा हुए बिना बहिरंग में परिग्रह हो ही नहीं सकता है जब तक आपके अंदर राग भाव प्रकट नहीं होगा किसी वस्तु के प्रति इच्छा प्रकट नहीं होगी तब तक आप बाह्य में परिग्रह रख ही नहीं सकते हैं आभ्यंतर परिग्रह होने पर ही बहिरंग परिग्रह को आचार्य भवन ने मूर्छा कहा है मात्र अंतरंग परिग्रह हो और बहिरंग ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता है नियम से अंतरंग परिग्रह होने पर बहिरंग में परिग्रह का जो भाव है परिग्रह इकट्ठा करना उसका संरक्षण करना उसका संग्रह करना उसका ग्रहण करना तभी बनता है इसी को ही आचार भोगन ने मूर्छा कहा है एक तीर से दो निशाने हो जाते हैं जैसे कहा कि दिन में भोजन करना इसका मतलब क्या है रात्रि में भोजन नहीं करना यहाँ जो कहा मूर्छा परिग्रह है इसका मतलब बाह्य का आडंबर भी परिग्रह ही हो जाता है अब बताइए ममत भाव किससे करेंगे किसी को निमित्त लेकर के ही तो मूर्छा भाव करेंगे ना ये मकान मेरा है जब मकान है तभी तो मेरापन आएगा कोई वस्तु आपके पास ना हो तब भी उसमें आप मेरापन कर सकते हैं जैसे मेरा हिंदुस्तान आपका नहीं है आपने नहीं बनाया लेकिन मेरा हिंदुस्तान मेरा भारत मेरा नगर मेरा शहर मेरे लोग जो आपके हैं भी नहीं जिन्हें आप जानते भी नहीं हो, पर वो मेरे तो इस प्रकार से कोई जब वस्तु सामने होगी और उसके प्रति आपका इच्छा परिणाम राग परिणाम होगा तभी तो आप मूर्छा भाव लाएंगे इसलिए आचार्य ने कहा आपकी पहले जो अंतरंग कसाय है वो कसाय ही पहले परिग्रह और उसी के निमित्त से ही जो बहिरंग वस्तुएं हैं वह भी आपका मूर्छा का कारण बन जाता है इसलिए मूर्छा परिग्रह जो परिभाषा आचार्य ने बनाई है बहुत सोच समझ के बनाई है वीर सेन स्वामी ने जो इच्छा परिणाम ऐसा परिभाषा दी है वो भी बहुत अच्छी परिभाषा है इच्छा जो इच्छा है वही परिग्रह है इच्छा का जो भाव है वह परिग्रह इच्छा परिग्रह तो हमारे अंदर जितनी भी इच्छाएं होती हैं भोजन खाने की इच्छा होती है भोजन करने की इच्छा कपड़े पहनने की इच्छा घूमने की इच्छा सूंघने की इच्छा आपको ऐसी अनंत इच्छाएं हैं आचार्य भवन कहते हैं परिगृह जो व्यक्ति है वो अनंत इच्छाओं को प्रकट करता है उसके अंदर इतनी इच्छाएं होती हैं जो कभी शांत नहीं होती जैसे तृष्णा का भाव कहा जाता है तीन लोक भी एक अणु के बराबर तुम्हारी इच्छा के सामने हो जाए तुम बैठे बैठे पूरा तीन लोक ऐसा मेरा है उसको बनाने के भाव रख सकते हो तो इस प्रकार से आचार्यों ने कहा यह बहिरंग परिग्रह में अंतरंग परिग्रह निमित्त बनता है तो इस प्रकार से वो भी परिग्रह ही माना जाता है आगम में परिग्रह दो प्रकार के कहे हैं अंतरंग परिग्रह और बहिरंग परिग्रह अंतरंग परिग्रह के नीचे लिखा हुआ है चौदह प्रकार के और बहिरंग परिग्रह के नीचे लिखा हुआ है दस प्रकार के जो अंतरंग परिग्रह और बहिरंग परंग में जो दस प्रकार का जो बहिरंग परिग्रह है वो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है क्षेत्र खेत सोना चांदी धन धान दास दासी कुप और भांड कुप भांड मतलब वस्त्र और बर्तन इस प्रकार से ये दस प्रकार के ये बहिरंग परिग्रह हैं अंतरंग परिग्रह चौदह प्रकार के इस प्रकार से हैं एक लेना है चार कषाय क्रोध मान माया लो पर यहाँ चार कषाय में आप चार चौकड़ी ले लो अनंत अनुबंधी एक अप्रत्याख्यान एक प्रत्याख्यान एक और संजलन एक तो इस प्रकार से चौ चार क्रोध मान मायालोप की एक चौकड़ी लगा लीजिए ठीक है ना अनंत मंदी क्रोध मान मायालोक को एक गिनो अप्रत्याख्यान क्रोध मान मायालोप को एक गिनो और प्रत्याख्यान क्रोध मान, मान मायालोप को एक गिनो और संज्ञलन क्रोध मान मायालोप को एक गिनो इस प्रकार से ये चार जो हैं कषाय इसके अलावा जो हास आदि नौ कसाएं हैं हास रति अरति शोक भय जुगुप्सा और तीन प्रकार के वेद स्त्री वेद पुरुष वेद और नपुंसक वेद तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि ये जो हैं अंतरंग परिग्रह हैं ये अंतरंग परिग्रह जो मोहनी कर्म के हैं इन कर्मों के उदय आने से आत्मा में जो भाव प्रकट होते हैं ये हमारे अंतरंग परिग्रह कहलाते हैं ये अंतरंग परिग्रह किसी को दिखते नहीं हैं कोई देख नहीं सकता लेकिन ये हम महसूस करते हैं इसका हम अनुभव करते हैं दिन रात चौबीस घंटे हम अंतरंग परिग्रह को लेकर के चिंताएं करते रहते हैं आकुल व्याकुल रहते हैं ये अंतरंग परिग्रह हटे तो बहिरंग परिग्रह के प्रति भी हमारी आसक्ति कम हो जाए नमोस्तु आचार्य श्री आत्मा में राग द्वेष मोह आदि परिणाम होते हैं इनको अंतरंग परिग्रह कहा गया है तो आत्मा में ही दर्शन ज्ञान चारित्र होते हैं, तो क्या इनको भी अंतरंग परिग्रह कहा जाएगा बहुत अच्छा प्रश्न किया है और ये आपके मन में भी प्रश्न आ सकता है कि राग देश मोह तो हमारे ही आत्मा के ही परिणाम हैं और ऐसे ही परिणाम हमारे श्रद्धा के जान्य रूप परिणाम और चारित्र रूप परिणाम संयम रूप परिणाम ये भी हमारे परिणाम आत्मा के ही हैं लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान रखना है राग देश जो मोह परिणाम हैं वो हमारे प्रमाद भाव के परिणाम हैं प्रमाद योग जो शब्द है इसकी पिछले सूत्रों से अनुवृत्ति चली आ रही है उसको भी यहाँ पर लगाना है कि प्रमाद के योग से आत्मा में जो मूर्छा का भाव है पदार्थ का रक्षण का जो भाव है वो परिग्रह है चूँकि ज्ञान दर्शन और चारित्र में कोई बेशुद्ध नहीं होता है को कोई मोही नहीं होता है जब आपके प्रमाद का योग पाया जाता है तब आप किसी पदार्थ को लेकर के संकल्प करते हैं विकल्प करते हैं यह मेरा है यह तेरा है ऐसा जो परिणाम आता है ये प्रमत्त दशा में ही आता है इसलिए आचरव उनके रहें ऐसे प्रमाद के योग में जो हमारे अंदर पदार्थों को लेकर के संकल्प भाव आए उस मूर्छा भाव आए इच्छा भाव प्रकट हुए इन्हें परिग्रह जानना लेकिन ज्ञान दर्शन चारित्र आदि में प्रमाद की अवस्था नहीं है अर्थात बेशुद्ध और मोह की अवस्था नहीं है ये ज्ञान मेरा है ये दर्शन मेरा है ये चारित्र मोह चारित्र मेरा है ऐसा परिणाम नहीं वो तो श्रद्धा ज्ञान और चारित्र का आनंद है आनंद की अनुभूति है और वह आनंद की जो अनुभूति है उसे अंतरंग परिग्रह में नहीं ले सकते हैं आचार्यों ने कहा है ज्ञान आदि तो आत्मा का स्वभाव है और स्वभाव परिग्रह नहीं होता है विभाव परिग्रह है स्वभाव तो हमारा अनुभूति है वो हमारी स्वानुभूति है इसी स्वानुभूति के बल से हम परम सुख को प्राप्त करते हैं परम अनंत अनंत ज्ञान केवल ज्ञान आदि को प्राप्त करते हैं और उसमें ही हम आनंद प्राप्त लेते हैं सहजानंद स्वभाव है अथा अप्रमत्त दशा है हमारे ज्ञान की हमारे दर्शन की हमारे चारित्र की इस प्रकार से इसमें परिग्रह पना नहीं आ सकता नवोस्तु आचार्य श्री जो कमंडल पीछे और शास्त्र मुनिराज रखते हैं अपने साथ में तो क्या वो भी परिग्रह की श्रेणी में आता है इस्लोक कार्तिक में आचार्य विद्यानंद स्वामी ने इसका बहुत सुंदर समाधान किया है उन्होंने कहा है कि पीछी कमंडलो शास्त्र मुनि के ये संयम के उपकरण हैं यद्यपि इनमें रखने में सूक्ष्म मूर्छा भाव होता है लेकिन वह मूर्छा भाव होने पर भी वो संयम के उपकरण होने के कारण मोक्ष मार्ग में अनुकूल हैं वो अनुचित नहीं हैं उचित ही हैं इसलिए उन्हें हम परिग्रह की श्रेणी में नहीं रख सकते यहाँ पर इस बात को समझेंगे जहाँ आपकी साधना और संयम सद रही है वो उपकरणों को आचार्य भगवान कहते हैं वो परिग्रह की श्रेणी में मत लेना यद्यपि मैं आपसे फिर भी कह रहा हूँ उसमें सूक्ष्म मूर्छा भाव है इच्छा भाव है लेकिन फिर भी वो अनुचित नहीं है वो हमारे लिए मोक्ष मार्ग का विरोधी नहीं है आज का स्वाध्याय संपन्न करते हैं आइए जिनवाणी स्थिति करते हैं जा वाणी के ज्ञान से सूजे लोकालो लो, सो वाणी मस्तक धरे सदा दे तो हो धो हे जिनवाणी भारती तो हे जपों दिन रे जो तेरी शरण धरे सो पावे सुख चैन सभी को बहुत-बहुत मंगल बहुत आशीर्वाद सभी को सादर जय जिनेंद्र चौथे अध्याय की पुस्तकें छपके आ चुकी है जो भी स्वाध्याय प्रेमी चौथे अध्याय की पुस्तकें मंगवाना चाहते हैं वो नीचे दिए गए मेरे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं पांचवे अध्याय की पुस्तकें छपवाने हेतु जो भी पुण्यार्जक बनना चाहते हैं व सहयोग राशि देना चाहते हैं वो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें जय जिनेद